ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ पूर्णिया के एक मतदान केंद्र का है। मैंने जीवन में 30 साल से मैं चुनाव कवर कर रहा हूँ, ये पहला मतदान केंद्र है जहाँ कमल का बाद आराम से सबको जाएगा, आराम से वोट दीजिए। देखिए मैं 5:30 बजे ही पहुंच गया था, मतदान कर्मी सुरक्षा कर्मी भी यहां पहुंच गए थे और मॉक पोलिंग को की तस्वीर मैंने दिखाई कि किस तरह से मॉक पोलिंग हो चुकी है। ईवीएम टेस्ट हो चुका है, खरा उतर चुका है टेस्ट में, अब बारी है लोगों के मतदान करने की। तो 7 बजे से मतदान शुरू होगा, लेकिन उसके पहले लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। मैं एक तस्वीर कहूँगा, जरा उधर से दिखाइए तस्वीर, देखिए लोग अपनी पर्ची लेकर अभी से ही मतदान केंद्र पर मौजूद हैं और वोट करने के लिए आए हुए हैं। राजस्व बोलूँगा कि इधर मतदान केंद्र की तरफ भी दिखाएं, देखिए इधर भी देखिए कितने लोग हैं जो मतदान केंद्र पर अपनी पर्ची लेकर वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। आप सुबह सुबह पहुंच गए हैं, कैसा लग रहा है? हमको ऑफिस जाना है, बहुत अच्छा लगा है, शांत माहौल है और सोचे जो कि अपना 7 बजे शुरू है तो फर्स्ट कर दें तो अच्छा रहेगा। ज्यादातर लोग मांग कर रहे हैं कि 6 बजे से पोलिंग होना चाहिए सुबह, और गर्मी बहुत ज्यादा है इसीलिए जो है ना जब सुबह 5 बजे हो जाती है तो 6 बजे होगा तो लोग को जो है कम से कम 10 बजे तक जो है गिराएगा, उसके बाद थोड़ा जो है राहत लेगा, फिर जो है 4 बजे लगभग से फिर शुरू। टाइम बदलना चाहिए जी, क्योंकि इतना गर्मी है, इतना धूप है, इसमें जो है वोटर जो है सही ढंग से नहीं आ पाएगा, वोटिंग का परसेंटेज गिर के आएगा। बताइए आपका मुद्दा क्या है, चुनाव का कोई मुद्दा भी है? कैसे चुनाव का मुद्दा क्या है? जो पूर्णिया का सही ढंग से विकास करे, यहाँ की जो समस्या है उसको सही ढंग से समझे, और क्या है। चलिए आपको, आप सुबह सुबह आ गई हैं वोट देने, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मेरी इच्छा रहती है ना कि पहला मत दूं मेरे तरफ से हो, ये हमेशा इच्छा रहती है, इसलिए सुबह 6:30 बजे ही आ गई। और पहला मतदान है, पहले जाके लाइन लगा तो अंदर जाने नहीं दे रहे ना। क्यों नहीं जाने देंगे? बोले अभी उधर काम चल रहा है तो बाहर ही रहिए। तो सुरक्षा कर्मियों ने इनको अभी रोक रखा है, ये पहला वोटर बनना चाहती थी इससे सबसे पहले आई, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया तो पहले आने का तो कोई फायदा ही नहीं मिला। ठीक है, उधर व्यवस्था है, अपनी अपनी व्यवस्था है, हो जाती लाइन तो लगा सकती है। हाँ तो जाने देंगे तो लाइन लगाए। पूछता हूँ आप बताइए, आप क्या चुनाव का मुद्दा? विकास और मुद्दा क्या रहेगा हम लोग को? विकास हो, शांति रहे, जाति पाति लोग नहीं करे, बस और क्या। सब नेता तो जाति पाति करता है, तो इसलिए ना जाके दे आएंगे कि नहीं किसी को वोट नहीं देना है। नोटा जाति पाति कीजिएगा तो कितना आप लोग को रोज जीता जीता के बैठाएंगे। सुबह सुबह यहाँ आई है नोटा दबाने। हाँ नोटे दबाने आए, मत बोलिए विकास मुद्दा है ना। आप बताइए क्या मुद्दा है चुनाव का? है कि जातिवाद यहाँ पे अब जिस तरह से देश में फैल रहा है, जाति बात नहीं रहना चाहिए, सब में भाईचारा में रहना चाहिए और शांति माहौल रहना चाहिए। पूर्णिया का जैसा माहौल है इससे और अच्छा माहौल होना चाहिए। आप बताइए, आप नौजवान हैं, क्या मुद्दा है? मेन मुद्दा तो विकास ही है, दूसरा मुद्दा है सुरक्षा। जब मैं बाहर निकलूं तो सुरक्षित घर आ सकूं, इसकी गारंटी लेनी होगी सरकार को। रोजगार तो है ही, जैसे मेरे जो अभी छोटे भाई बने उन्हें रोजगार तो मिलना ही चाहिए, मेन मुद्दा यही। आप बताइए। बस रोजगार का मुद्दा है, भ्रष्टाचार नहीं हो और सबसे बड़ी बात देश तरक्की करे, इसके लिए पब्लिक तरक्की करेगा तभी देश तरक्की करेगा। आपका मुद्दा क्या? यही है, विकास होना चाहिए, माहौल का ये नहीं रहना चाहिए, ये सब झगड़ा विवाद अच्छा नहीं लगता है। शांति चाहिए, शांति पूर्वक सब आदमी अपना अपना बस्ती में रहते हैं, खुशहाल रहे सब कोई। तो देखिए लाइन लग गई। हाँ लाइन लग गई है, अब सुरक्षा कर्मी एक एक करके अंदर जाने दे रहे हैं जो मतदाता है उनको, तो ये लंबी लाइन सुबह सुबह लग गई, देख लीजिए। लाइन में जाइए बहन जी, लाइन में जाइए। तो देखिए लाइन लग गई है, मतदाता अंदर जाने लगे हैं, मतदान केंद्र तैयार है, अब पोलिंग के लिए लोगों रखा था पहले, अब अंदर जाने की इजाज़त मिली है। किसने मार रहे हो? कमल का बाद आराम से सबको जाएगा, आराम से वोट दीजिए। आपका कितने ने बोला? 46 ये वाला जाइए। हाँ 46 जाइए, 46 इधर है, मध्य भाग है। लोग उतावले हैं वोट देने के लिए, सुबह सुबह पहुंचे हैं, चाहते हैं कि ठंड में ही अपना वोट गिरा कर चले जाएं, धूप से भेंट ना हो। क्या बाबा, धूप से बचने के लिए? हाँ धूप से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए। आप मानते हैं कि और सुबह वोटिंग होना चाहिए? वैसे 6 बजे से स्टार्ट हो जाना चाहिए, गर्मी का समय है, 6 बजे स्टार्ट हो जाना चाहिए, 6 बजे से पोलिंग शुरू हो जानी चाहिए, एक मांग कर रहे हैं मतदाता, ज्यादातर मतदाताओं की मांग है।
कि मतदान का समय बदलना चाहिए, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक होना चाहिए, ताकि सुबह 6 बजे से 11 बजे तक 12 बजे तक लोग पोल कर सकें और दोपहर में घर पर आराम कर लें और फिर शाम में आकर अपना मतदान कर सकें। तो देखिए तस्वीर में दिखा रहा हूँ मतदान केंद्र पर जो जा रहे हैं मतदाता, मतदाताओं को मतदान केंद्र पर जाते हुए हम तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए। तो ये तस्वीर है जिला पशुपालन पदाधिकारी पूर्णिया का दफ्तर है और यहाँ पर कई मतदान केंद्र बनाए गए हैं और देखिए मतदान केंद्र की तरफ जो है मतदाता जा रहे हैं। तो ये लाइन लगाएंगे, अब कौन पहला वोटर होगा ये देखना बड़ा मजेदार होगा। ये तस्वीर देख लीजिए आप मतदान केंद्र की, इधर है। मैंने जीवन में 30 साल से मैं चुनाव कवर कर रहा हूँ, ये पहला मतदान केंद्र है जहाँ सुरक्षाकर्मी कह रहे कि गेट के बाहर जाइए। पहले चरण के मतदान में पोलिंग का प्रतिशत कम हुआ, चुनाव आयोग ने कहा कि मतदान केंद्र पर मीडिया कर्मी जा सकते हैं, प्रॉपर कवरेज कर सकते हैं, लेकिन ये पहला मतदान केंद्र है जहां पर सुरक्षाकर्मी कह रहे हैं कि गेट से बाहर जाइए, गेट के अंदर अलाउ नहीं है। तो ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, ऐसे अगर बिहेव करेंगे, व्यवहार करेंगे तो मतदाता कैसे मतदान केंद्र पर पहुँचेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो सुरक्षा ठीक है, क्या मीडिया ही सुरक्षा के लिए खतरा है? चुनाव आयोग के निर्देशों का कोई मतलब नहीं है या चुनाव आयोगों के निर्देशों से सुरक्षाकर्मी अधिकारी अभी अज्ञान हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या चुनाव आयोग का नियम है, क्या निर्देश है? हमारे पास वैलिड पास है और हम मतदान केंद्र के अंदर नहीं जा सकते। ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ पूर्णिया के एक मतदान केंद्र का। तो जब हम अंदर नहीं जाएंगे तो मतदाताओं की लाइन किसे दिखाएंगे, इतनी दूरी से 300 मीटर से? ये सबसे बड़ा सवाल है, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और निर्देश देना चाहिए कि पुलिस कर्मियों को क्या करना चाहिए मीडिया के साथ, कहां तक मीडिया को जाने की इजाजत है, एक क्लियर होनी चाहिए। मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, देखिए यही गेट पर रोका जा रहा है, यही रोड पर रोका जा रहा है मीडिया कर्मियों को। पहले तो लोगों को भी रोका गया, सुबह 6 बजे लोग आ गए थे, लाइन लगाना चाहते थे लेकिन रोक दिया गया और अभी जाने दिया गया है। तो जो पहला वोटर बनना चाहता होगा, जो सुबह 6 बजे से आकर इंतजार कर रहा था, उसका आना बेकार हुआ। तो सुरक्षा कर्मियों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि मतदाता भगवान है, ये जन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मतदाता से महत्वपूर्ण कोई नहीं होता है। तो एक बुजुर्ग मतदाता के साथ हमने सुरक्षा कर्मियों की नोकझोंक भी दिखाई। ये पहले चरण में वोटिंग कम हुआ, 50% से कम हुआ, तो चुनाव आयोग का साफ निर्देश आया कि मीडिया कर्मियों को मतदान केंद्र पर जाकर कवरेज की इजाजत रहेगी, लेकिन उसका कोई असर नहीं दिख रहा है, उल्टा यहाँ दिख रहा है। यहाँ तो मीडिया कर्मियों को मतदान केंद्र के गेट पर ही रोक दिया गया है और यहाँ से 300 मीटर की दूरी होगी, तो हम कवर भी नहीं कर पाएंगे। बाहर से दिखाएंगे रोड पर, सड़क पर लोगों को आते जाते, लेकिन लोगों के मुद्दे क्या हैं, लोग क्या चाहते हैं, लंबी लाइन कितनी लगी है, ये भी दिखाना मुश्किल है। आप देख लीजिए कितनी दूर है, पूरा कैमरा जूम आउट करिए, पता चल जाएगा कि कितनी दूर पर हमें रोका गया है। तो ये तस्वीर है मतदान केंद्र की, जब हम तस्वीर दिखाएंगे तभी मतदाता उत्साह में आएंगे, जो घरों में बैठे हैं उनके मन में उत्साह पैदा होगा कि भाई हमको भी मतदान केंद्र पर जाना है और पोलिंग करना है, वोट देना है। उदासीनता के कारण ही वोटिंग का प्रतिशत घट रहा है, ये चिंताजनक है। लोकतंत्र में अगर वोटिंग परसेंटेज घटे तो गंभीर चिंता का विषय है, लेकिन इससे सुरक्षा